नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। जय हिंद, भारत माता की जय। आज साढ़े देश के एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा जोड़ा वो बड़ा घूम रहा है, बड़ी जगह पर वायरल हो रहा है। हर टीवी चैनल जरा लून मिर्च मसाला लगा के उन्होंने वधा चढ़ा के जरा पेश कर रहा है। वो मुद्दा है कि राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के सब तो वे नेता ने, उन्होंने संसद के कह दिता कि हिंदू जड़े है वह हिंसा फैलाते। मैं भी बड़ा गुस्से में आया जो मैं सुनया, क्योंकि छोटी जी कृपा मेरे को आई थी और मैं सुनया कि मेरा मन किया कि मैं राहुल गांधी के खिलाफ बहुत कुछ बोला, परंतु थोड़ा जहा विवेक काम किया, क्योंकि अजक जी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, वो बड़ा भड़काऊ चीज़ा होंगे, उन्होंने बड़ा ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है। तो मैं थोड़ा जहा अपना विवेक यूज़ किया तो मैं पूरी जी स्पीच सी वो ध्यान सुनी। वो राहुल गांधी जी जे कह रहे थे कि जोड़े भी साडे देवी देवता ने, चाहे वह किसी भी धर्म ना बिलोंग करते हैं, चाहे वह गुरु नानक देव जी ने, चाहे साढ़े भोले शंकर ने, चाहे वह जीसस क्राइस्ट ने, जोड़े भी ने, अभय होने का एक संदेश देंगे। वो यह कहें कि ना डरो तो ना किसी को डराओ। सो उन्होंने एक अपने कहने का ढंग सीगा। लास्ट में उन्होंने एक लाइन बोल दी कि जेड़े अपने आप को बीजेपी वालों उन्होंने एक्चुअली कहा कि जेड़े अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा फैला रहे हैं, वो नफरत फैला रहे हैं। हुण यह तो सी कि राजनीतिक पार्टियां की अपनी द्वेषता, अपनी जो उन्होंने आपसी लड़ाई होती है, लेकिन उन्हें एक चीज़ स्पष्ट हो गई है कि चाहे जिहड़ी मर्जी राजनीतिक पार्टी है वो साढ़े हिंदुओं को एक राजनीतिक मोहरे तो इलावा कुछ नहीं समझती। पहला बीजेपी ने हिंदुओं को एक राम मंदिर के नाम के उपर, हिंदुत्व के नाम के उपर, गौ रक्षा के नाम के उपर एक राजनीतिक रंग दिते और वो सत्ता के विच हुण दूसरी पार्टी की कर रही है, वह भी हिंदू हिंदू करना शुरू हो गई है। इहदा मतलब तो यही हो गया कि हिंदुओं तो इलावा साढ़े देश में कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है और असी मूर्ख लोग हाँ जिहड़े इन्हां लोगों के पिछे लग के आपसी भाईचारा खराब करते। सो मैं इन्हां राजनीतिक पार्टियों को एक चेतावनी देना चाहना कि तुसी थोड़ा जिहा सोच समझ के चलो, क्योंकि ये साडा देश जिहड़ा है वह सिर्फ धर्मां वाले देश नहीं है। इत्थे अमीर भी रहिंदा, इत्थे गरीब भी रहिंदा, इत्थे ढिड भी भरना पैंदा, इत्थे बच्चों को पढ़ाना भी पैंदा, इत्थे होर भी बहुत काम करने पैंदे, कारोबार करने पैंदे, खेतीबाड़ी करनी पैंदी है। यह भी मुद्दे हैगे ने, हर वेले धर्म धर्म करके उन्हों यूज़ करना बंद कर दो, खास करके हिंदू धर्म, क्योंकि जो भी हुंदा है हिंदू धर्म में ही टारगेट किया जाता है, उन्होंने एक मोहरा बनाया जाता है और यह सारी राजनीतियां बराबर ने, और सब लोग जोड़े है वह यूज़ करते हैं हिंदू धर्म। सो मेरी बेनती यही है, खास करके मैं लीडिंग पार्टियां है इन्हों मैं चेतावनी देना चाहना कि थोड़ा अपने आप में शर्मया करो, थोड़ा जहा समझो कि हर वेले धर्म धर्म करके नहीं, संसद लगी सी उदे विच साडे विकास की गल होनी चाहिए सी, जे एक दूसरे के एलीगेशन लाने से सीधे नाम लैके लगाने चाहिए सके। हिंदू नहीं कहना चाहिए सी कि हिंदू हिंसा फैलाते हैं, हिंदू कभी हिंसा नहीं फैलाते। अगर हिंदू हिंसा फैलाते होंगे ना, अज खालिस्तानियों अतवादी कहा जाता है, ये जिहादियों अतवादी कहा जाता है, धर्मांतरण के नाम के उपर कई लोगों गलत कहा जाता है, पर हिंदुओं के उपर कोई यह एलीगेशन नहीं लगता। क्यों?
ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਹਿੰਸਕ ਅਹਿੰਸਕ ਨੇ। ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਰਾਮਾਇਣ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਓ ਨਾ। ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੋਟ ਮੰਗੋ, ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਧਰਮ ਕਰਕੇ। ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਓ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਸਮਝ